हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे कंप्यूटर में टैली कैसे इंस्टॉल करें। तो हम देखते हैं, जैसे मैंने ये देखिए टैली के लिए मैंने टैली एक्स डाउनलोड किया हुआ है। हम अपने कंप्यूटर के अनुसार टैली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में भी अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे 32 बिट एंड 64 बिट। इसके लिए हमें ये जानने के लिए देखना होगा कि हमारा कंप्यूटर 32 बिट है या 64 बिट है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में जाना होगा। कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा हमारा सिस्टम कौन सा है। तो ये देखिए, यहाँ पे आ रहा है सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे सिस्टम के अंदर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडो है। तो हमें उसी के अनुसार हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। तो जैसे मैंने 64 बिट इंस्टॉल डाउनलोड किया हुआ है एक्स, तो इसे हमें इंस्टॉल करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में चलाएंगे। तो देखिए ये आ गया, फिर इसे यस कर देंगे। तो देखिए ये हमारा टैली वर्जन चल गया। तो ये दिखा रहा है वेलकम टू टैली 9 सेटअप विजार्ड। अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। इसके अभी हमें यहाँ पर ये दिखाए हुए हैं इसके कि इनका टैली वालों का एग्रीमेंट क्या है। तो इन्हें हम पढ़ेंगे ध्यान से और फिर आगे एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे ये चार पैथ दिखाएगा, जैसे चेंज एप्लीकेशन डायरेक्टरी, चेंज डेटा डायरेक्टरी, चेंज कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी, चेंज लैंग्वेज डायरेक्टरी। तो हम जैसे ये है डेटा डायरेक्टरी। डेटा डायरेक्टरी के द्वारा हम अपने डेटा टैली की डेटा कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। जैसे मैं नहीं चाहता कि टैली की डेटा सी ड्राइव में हो, तो मैं अलग करना चाहता हूँ, डी में करना चाहता हूँ। तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं टैली डेटा। तो यहाँ से जाके कंप्यूटर में, जैसे मैंने सी से ये क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे डी कर दूँगा और डी के अंदर इसे ओके कर दूँगा। तो ये देखिए, यहाँ से मैं डी में जाऊँगा। डी के लिए मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बनाया हुआ न्यू फोल्डर, मैं उस पर क्लिक करूँगा। तो ये न्यू फोल्डर, अब देखिए डी के अंदर न्यू फोल्डर ये बन गया। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। इसके बाद ये पूछेगा आपकी कंट्री कौन सी है और इनिशियल सेटअप लैंग्वेज कि आप किस लैंग्वेज में चाहते हो। इसमें अलग अलग लैंग्वेज दी हुई है, हिंदी में भी कर सकते हो आप, अलग अलग भाषाओं में दी गई है। तो आप इन भाषाओं के अनुसार अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मुझे इंग्लिश में नीड है, हमें ज़्यादातर इंग्लिश में ही नीड होती है, आवश्यकता होती है। तो उसके बाद हम यहाँ से इंस्टॉल पे प्रेस करेंगे। तो ये देखिए मेरा सिस्टम, ये मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। इसमें इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दिस एप्लीकेशन कैन नॉट रन ऑन दिस आउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टैली 976। हाँ तो दोस्तों ये देखिए मेरा ये क्या हो गया है, वो भी देखना पड़ा होगा।